गाइस तो कैसे हैं आप लोग। आज हमारे नए ब्लॉग में आपका स्वागत। लगता है दाही बढ़ गया है। आज निकले हैं घूमने एकदम खेत के तरफ। मौसम बड़ा सुहाना है, एकदम मस्त प्रकाश। आइए देखते हैं इसे कितना हरियाली है। एकदम मौसम सुहाना, एकदम ठंडा ठंडा। दो दिन से भरदम बारिश हुआ, जिसको कहता है मच की, लेकिन पानी सारा एक भी सर जरा नहीं। सब कहाँ चल गया पता ही नहीं। एकदम घूमने निकले, मस्त क्या नज़ारा है। उसके साथ आपको एक चीज़ दिखाएंगे। देखिए आज मेरे साथ है मेरा भगना। हंस क्या रहा है, दांत निकाल रहा है। आज हम दोनों निकले हैं मामा भगना एकदम वॉकिंग में, चल रहे हैं दोनों एकदम मस्ती से। ये बोल रहा है कि मामा आपके पैर के बराबर हम चल रहे हैं। बोले हाँ ठीक है, तुम्हारा पैर मेरे पैर से एकदम बड़ा है। तो आगे एकदम चल रहे हैं मस्ती से, घूमने के लिए घूम रहे हैं। चलते चलते बड़े दादा कान में आ गया ट्रेन का आवाज़। निकल जा सिमसिम, अरे चल इधर, किधर है सिमसिम ट्रेन, निकल जा निकल जा, और निकल जा ट्रेन, अरे निकल जा। हाँ दिख रहा है, निकल गया ट्रेन। ट्रेन देखते ही बूढ़े दादा हो गया खड़ा, एकदम देख रहा है ट्रेन को। ये ट्रेन जो है भागलपुर से बांका के लिए चलती है, लोकल ट्रेन। शाम को भागलपुर से 4:55 में खुलती है, यहाँ 6 बजे पहुँच जाती है। यह ट्रेन बका 7 बजे पहुंच जाती है। अरे ट्रेन वाले चाचा कत्ता धीरे धीरे चला रहे हो। यही जो है स्टेशन है, यह बराहट स्टेशन है, यहीं पर आके यह ट्रेन रुकेगी अभी। उसके बाद जो है अरे दादा बड़ा तुम भैंसिया लेके घूम रहे हो, कहा बात है चाचा बड़े झरिया में। अरे ट्रेन वाले चाचा कितना धीरे धीरे चला रहे हो, जो बड़ा लपेट लपेट के चलाइए, खाए हुए नहीं है क्या। ट्रेन देखने के बाद दादा फिर चलने लगा एकदम वॉकिंग पे। फिर एक उसको ट्रेन दिख गया, उधर से वापस आ रहा है। ये है ट्रेन है हस्टिया वाला। बूढ़ा दादा हो गया खड़ा कमर पे हाथ के, बाबू साहब देख रहा है एकदम कैसे। उसके बाद ये ट्रेन पूछ रहा है कि कहाँ कौन सा ट्रेन है। तो दो ट्रेन आ गया, कहाँ से आया ट्रेन, कौन बैठा है ट्रेन पे, कौन कौन है ट्रेन पे। उसके बाद हम ये बताते हुए बोला चलो बताते हैं। उसके बाद चलते चलते उसको बता रहे हैं, चल चलते दिख गया हमको मंदार पहाड़। ये हमारे घर से काफ़ी नज़दीक है, कम से कम 5 किलोमीटर होगा मंदार पहाड़, जिसको पपरनी बोल। चलते चलते बूढ़ा दादा गया थक के, बोलता है मामा गोदी लो अब नहीं चला जाएगा। बोले अच्छा ठीक है आ जाओ गोदी। उसके बाद ये देख खुश। उसके बाद आप लोग को ये जो खेत दिख रहा है, आप लोग कोई बताना है कि इस खेत में क्या लगा है, तो ये क्या चीज़ का पौधा है इस खेत में, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और CBSE वाला होगा तो नहीं बता सकेगा, सर बिहार बोर्ड होगा तो बताइए देगा। कितना सुहाना मौसम है, ठंडा ठंडा हवा दम बह रहा है। ये देखिए हमारा पोखर, इसी में निकला था मछली, जो आप लोग पिछले ब्लॉग में देखे होंगे, नहीं देखे हैं जाके देख लीजिए। पानी हो गया भर के, लेकिन 2 दिन के बाद फिर से इसमें निकलने वाला है मछली, और आप लोग अगले ब्लॉग में देख लीजिएगा। ये है हमारा अगल बगल का खेत, जो मस्त दिख रहा है नज़ारा। मौसम ठंडा, बारिश एकदम हो रहा है, और चच्चे चलते जा रहे हैं एकदम मौसम मस्त। क्या पानी भी है बहुत, 4 फीट के करीब। ये है मेरे गांव का बजरंगबली का मंदिर, ये है फील्ड, और ये है हमारा रोड, ये है मेन रोड। बारिश के वजह से पूरा कीचड़ कीचड़ हो गया है। जय बजरंगबली की, जय पवन हनुमान की जय। उसके बाद ये बूढ़े दादा के हाथ में लग रहा है, इसके हाथ में एक हाथ में कुरकुरे, एक हाथ में बिस्कुट लेके फिर ये चल दिया अपने घर की ओर। हम तेज़ी में भाग रहा, फिर कह रहा मामा इतना तेज जल्दी चलो, बारिश आ रहा है तेज़ी से। अब ब्लॉग को करते हैं बंद, और मेरे लाइव ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिए। और कुछ बोलते हैं ब्लॉग में, अगर कुछ बोलते हैं तो कमेंट में। बाय बाय।